सभी भाई बंधुओं को, बच्चों को, मित्रों को और सीएलसी स्टाफ के डायरेक्टर महोदय, अन्य स्टाफ सभी का अंबाला डिस्ट्रिक्ट में स्वागत है। मैं कुरुक्षेत्र से निवास करता हूं और लगभग मेरी सर्विस जो है ना अंबाला की रही है। मुझे हरियाणा सिल्वर जुबली अवार्ड 1993 में मिला, स्टेट अवार्ड 1998 में मिला और मेरी सर्विस जो है वो ज़्यादा अंबाला की ही रही है। और 2012 में मैं रिटायर हुआ एजुकेशन डिपार्टमेंट से। आज इस प्रोग्राम की सूचना मुझे मिली थी, मेरे जो ये भतीजे लगते हैं जिनकी लड़की ने इनके संस्थान से शिक्षा लेकर के और आज मेडिकल लाइन में उन्होंने एडमिशन लिया। बड़े धन्यवाद करूंगा मैं डॉक्टर महोदय का। मैं इनकी सीएलसी में गया था, मैंने अपने पोते को दाखिल कराना है, अब वहाँ प्रवेश दिलाना, 10वीं के पेपर दे रहा हूँ। एक बच्चा इनका है, वो भी मेरा पोता ही है। तो व्यवस्था बहुत बढ़िया लगी। कोई ये नहीं है कि आप मन में ये बात मत रखिए, ये बार बार इन्होंने एक बात कही, दादा दादी को अपने पोता पोती को बाहर नहीं छोड़ना चाहते। मेरी भी ये इच्छा थी कि एक ही पोता मेरे पास में किस प्रकार वहाँ रहेगा, कैसी व्यवस्था में रहेगा। और इनके आने से पहले मैं इनके कर्मचारी से मैंने पूरी कुछ बातें भी की है और उनके जवाब उन्होंने मुझे दिए हैं। आज साहब के दर्शन यहाँ इस स्टेज पर हुए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बात हमारे भतीजे ने कही थी सुशील ने, आप सभी इंस्टीट्यूशन में जाइए, अकेले सीएलसी पर आप भरोसा मत कीजिए, कंपैरिजन कीजिए कि आपको कहाँ क्या अच्छा लगता है। इनकी जो बातें लगी, इनकी जो व्यवस्था है, इनके जो संचालन की व्यवस्था है वो बहुत बढ़िया है। और हम यदि अपने बच्चों को वो दे सके, बिल्कुल जैसे घर में आप एक वातावरण बना रहे हैं, एक बच्चा होता है माँ के साथ कुछ उसका व्यवहार है, पिता के साथ कुछ व्यवहार है, पोता दादी के साथ कुछ व्यवहार है और दादा के साथ कुछ व्यवहार है, वहाँ आपको सारे व्यवहार इकट्ठे एक ही स्थान पर मिल सकते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर यही बात है, कुछ पाने के लिए बच्चे को खोना पड़ेगा। वो खोने में कौन आएंगे? माता पिता। खोने का मतलब ये नहीं है वो उनसे दूर हो जाएगा, परंतु अपने आप को बनाने के लिए, अपनी उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं तो बच्चे को जाना ही पड़ेगा। और वहाँ जा करके वो बच्चा किस प्रकार की शिक्षा लेता है तो बाद में यही पता लगेगा कि एक गरीब परिवार का बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है, एक गरीब परिवार का बच्चा भी आईएएस अफसर बन सकता है और एक गरीब परिवार का बच्चा भी जो सुविधाएं संसार की हैं वो हर सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। कैसे करेगा? सख्त मेहनत से, सख्त परिश्रम से, कठोर परिश्रम से। हो सकता है मेरे को कोई जानता भी हो, मैं अंबाले में ही मेरी ज़्यादा सर्विस रही है, मैं डाइट मोड़ा, मेरा लगभग 11 साल मैंने डाइट मोड़ा, जहाँ जेबीटी सेंटर है अंबाला डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ रहा हूँ। और हमारे पास हमारी डाइट मोड़ा में करना अंबाला, पंचकूला और यमुनानगर तीनों डिस्ट्रिक्ट हमारे डाइट के अंदर आते थे। तो हो सकता है कोई जानता भी हो मुझे और उनको मेरे पता ही होगा कि सर कैसे रहे हैं। तो मैं साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने आगे भी जाना है, इनके प्रोग्राम काफ़ी हैं। आप एक अपने बच्चे को पैसे की दृष्टि से नहीं, ये नहीं देखना, पैसा तो आपने सारी जगह देना पड़ेगा। एक बात जो इशार की इन्होंने कही, मैं बहुत ध्यान से इनकी बातें सुन रहा था कि कोचिंग भी जा रहा है और ट्यूशन भी जा रहा है, कोई लाभ नहीं है उसका, पैसा की बर्बादी है और बच्चे का टाइम कितना वेस्ट होता है। ये देखिए, बच्चा तीन यदि आप मेडिकल लाइन में बच्चों को ले देना चाहेंगे तो बच्चे को तीन ट्यूशन तो पढ़नी पड़ेंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और उनके आने जाने का कितना समय बर्बाद होगा। इनके पास वो समय बर्बादी बचेगी, ऐसी संस्था है इनकी। आप एक बार मौका देखिए और बच्चे को उसके प्रति जागृत कीजिए। एक बार बच्चा जो है जाएगा तो वो बहुत कुछ वहां से लेके आएगा, खाली हाथ नहीं आएगा। हमारी ये जो बच्ची मेडिकल में गई है, जो हमारे ये मेरे भतीजे लगते हैं, वो बच्ची इतनी वो नहीं थी, परंतु जब उसने वहाँ की कोचिंग ली तो बहुत कुछ हो गया। हम बहुत धन्यवाद करते हैं आप सबका, आपके पूरे स्टाफ का। थैंक यू।